अच्छा जी, अब ये वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है। कैलकुलेटर भी मैंने नहीं खोला हुआ, वो भी खोल लेते हैं ताकि जो है ना। अच्छा, कैलकुलेटर आप में से कितने लोगों के पास नहीं है? हर एक के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है? जी जी सर सर, है। जी ठीक है, सर क्योंकि उसके बगैर ना ये जी आपने सर खुद देख लें कि सॉल्व करने में कितना मसला होता है, और ये अपना कैलकुलेटर हो तो उससे बड़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब ये हमारे पास जनाब आ गई प्रॉब्लम। इसको हमने करना है नोडल एनालिसिस, हमने लगाना है। तो V1, V2, V3 ये सारे के सारे इस तरीके से ना लेबल्ड हैं। तो हम करंट्स की डायरेक्शन कर लेते हैं, ये इधर को कर देते हैं, इसको क्या करें, इधर को कर लेते हैं, अपनी मर्जी है, जो मर्जी डायरेक्शन देते जाएं। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से करंट्स को लेबल कर लिया। तो उसके बाद आपने ना, आप सॉल्व करना, अब पहली चीज है कि जी इधर हमारे पास जो है ना एक सुपर नोड लगनी है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी ये वोल्टेज सोर्स है, इसके किसी भी एंड के ऊपर रेफरेंस नोड नहीं लगा हुआ, तो ये सुपर नोड बनेगी। अगर ये यहाँ पे लगी होती ना इस तरह करके, तो ये सुपर नोड नहीं बननी थी, हमने सीधा V2 को कह देना था, जो इसकी वैल्यू है उसके बराबर है। ये फर्क तो आपको याद है ना कि कहाँ पे सुपर नोड लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। हर जगह वोल्टेज सोर्स देखते ही फौरन सुपर नोड नहीं लगा देना आपने, जी सर ठीक है। अब ये सुपर नोड अगर आपके पास है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ कि जी सुपर नोड की वजह से मेरे पास रिलेशन क्या आएगा कि V1 - V2 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू 2I। ठीक है, तो ये मेरे पास ना एक मतलब के रिलेशन इसके अंदर का आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? जी सर अच्छा, यस आप सर I की वैल्यू क्या है, I क्या है, कहाँ पे लेबल्ड? सर V3/4 V3/4। तो यहां पे मेरे पास आ गया जी V1 - V2 - V3/2, 2 V3/2 माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया एक रिलेशन। अच्छा जी, तो अब हम दूसरा नोड के ऊपर हमने कोई लगाना है, तो अब हम क्या करते हैं कि जी अगर हम यहाँ पे लगाते हैं KCL, तो सुपर नोड है, हम नहीं लगा सकते। वजह क्या है कि जी हमें इस तरफ से जो करंट फ्लो कर रहा है, हमें नहीं पता कितना करंट है, तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते KCL। पर हम खाली अगर इस सुपर नोड को देखें ना, तो हम इस सुपर नोड पे भी नहीं अपना KCL लगा सकते। वजह यह है कि इस सुपर नोड की तरफ कितने करंट जा रहे हैं बाहर, 1, 2, 3 करंट जा रहे हैं, पर हमें यहां से पता नहीं है कि कितना करंट आ या जा रहा है। ऐसे ही है, जी सर यस ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें इस सुपर नोड को और बड़ा करना होगा। ये सुपर नोड हो गया, सर सुपर नोड के जो पैरेलल में अगर वोल्टेज सोर्स आ जाए या रेजिस्टर आ जाए उसको सुपर नोड में कंसीडर करेगी। सुपर नोड के पैरेलल में कोई अगर रेजिस्टर, हाँ जी हाँ, उसको उसी के अंदर आप कंसिडर कर लें। क्योंकि बेसिकली क्या होगा कि जो आपको उसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में वोल्टेज पता है, तो करंट उसी वोल्टेज को रेजिस्टर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास। अच्छा, तो यहाँ पे एक ना हमने किया, ये चीज आ गई कि जी सुपर नोड जो है ना इतना बड़ा सा बन जाएगा। लेकिन इधर एक और चीज है कि इस सुपर नोड के आप देखें ना, तो यहाँ पे V1 है और अगली तरफ V3 है, तो इसके अक्रॉस KVL खाली इतने हिस्से पे लगाए ना, अगर V1 से V3, तो हमारे पास आ जाएगा जी V1 - V3 इज इक्वल टू 12। ये चीज करेक्ट है? यस ठीक जी है, ये 12 के बराबर आ गया, ये मेरे पास सेकंड रिलेशन आ गया। थर्ड रिलेशन अब मैं इस सुपर नोड के ऊपर KCL लगा दूंगा।
तो उसका मतलब है कि कितने करंट इस सुपर नोड की तरफ आ रहे हैं और कितने करंट इस सुपर नोड से जो है ना वो दूर जा रहे हैं हमारे पास। तो इसके अंदर क्या है, ये सुपर नोड ना एक्चुअली यहां तक आ रही है, ऐसे ही है, इस चीज को भी जो है ना वो इंटर कर रहा है। तो ये एक जो करंट है ना, इसको हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये करंट सुपर नोड से निकल के सुपर नोड के अंदर ही आ रहा है। ये वही बात होगी जैसे आप कह रहे हैं ना कि रेजिस्टर्स के केस में अगर कोई आपने वोल्टेज सोर्स है और उसके पैरेलल में आपके पास एक और जो है रेजिस्टर आ जाता है, तो इस ये वाला जो एक एलिमेंट है ना, ये भी आपके पास सुपर नोड में ही इंटर हो जाना है। उसकी वजह क्या है कि जो करंट इधर आ रहा है ना और जो करंट इधर से निकल रहा है वो आपके पास उसी नोड्स के या कंप्लीट सिस्टम के अंदर, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके पैरेलल के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स लगे हुए हैं और आप अलहदा से वो करंट निकाल नहीं सकते। तो एंड रिजल्ट हमारे पास जो एक रिलेशन आएगा ना, वो खाली ये वाला रिलेशन आएगा कि सुपर नोड से तीन करंट बाहर मूव कर रहे हैं। पहला करंट क्या होगा, V1 ओवर 4 प्लस V2 ओवर 1 प्लस V3 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है V1 प्लस 4 V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास अब जो है एक तीसरा रिलेशन आ गया। तो पहला रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन आपके पास जो है ये है, तीसरा रिलेशन ये अगले वाला है। तो उनको इस्तेमाल करके आप आगे सॉल्व करेंगे ना, तो मैट्रिसेस के थ्रू रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहें तो V1 - V3 क्योंकि यहाँ पे है, तो V1 की वैल्यू इधर से निकाल के इन पहले दो में प्लेस कर दें तो आपके पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड आ जाएगी। अब क्वेश्चन पूछें। ठीक है, मैं आगे वो वाला सॉल्व नहीं वैसे कर रहा। जी इस प्रॉब्लम में वो लूप वाला सीन ही नहीं हुआ इसमें, तो मैं दो नोड से रिलेशन मिल गया, एक सुपर नोड से मिल गया। वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं से रिलेशन मिल जाना है, हमेशा आपको मिल जाएगा। अब कौन सा मैं फिर केस लूँ, अब एग्जैक्ट उस तरह का केस अगर आता नहीं है, हर प्रॉब्लम यूनिक होती है। मुझे बताएं कहाँ पे आया है वो केस, सर ये ऊपर सेम उसी तरह की गुजर गई है, ऊपर आप आए ना। वो असाइनमेंट वाली प्रॉब्लम कह रहे हैं। जी, वो नंबर बताए ना उसका। नहीं अभी आप स्क्रॉल डाउन ही कर रहे थे तो वो गुजरी थी नजर से, ये वाली ये गुजर। ये तो नोडल एनालिसिस वाली है। ठीक है, चलें इसमें मैं एक आध चीज बता देता हूं। हाँ, इसमें आप एग्जैक्ट पूछें कि क्या क्वेश्चन था आपका। सर क्वेश्चन यही था ना कि हमें लगा था कि यानी ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है इससे हमने लूप्स बनाई थी, और हमने लूप जो है ना इसके नीचे वाली उसमें हमने वोल्टेज ये वो लूप के। है ही नहीं, ये तो नोडल एनालिसिस का है। इसमें लूप्स कहाँ से आ गई, मैश कहाँ से आ गए। पर इसका सुपर नोड बता दिया का कांडली, ये फोर आई वाला या ना एक ये वाला। जी यही है। ठीक है सर, तो जो आप जो कह रहे हैं वो तो इसमें तो लगना ही नहीं है कोई, वो लूप्स वाला, वो दूसरी एक कोई प्रॉब्लम थी, अब पता नहीं वो कौन सी थी। वो मैश वाली थी सर, मैश वाली। ये वाली नहीं, उसमें भी दो लगे हुए थे, एक डिपेंडेंट सोर्स भी था, मैंने देख के लिया था ताकि ना हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसमें आ जाए। ये वाला है, ये है, यहाँ पे मैश से रिलेटेड पूछें। सर जी मतलब इसके अंदर सर दो मैश बनेंगी ना सर, ये पूछना था जहां रजिस्टर लगा हो बस वही मैश बन सकती है ना। नहीं, मैश तो टेक्निकली देखें, एक यहां से मैश है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चार बनती हैं। एक ये बन रही है,
एक आपके पास लेट से ये, बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं, नहीं चलो यही रखते हैं, ये लेट से बननी थी, एक ये वाली बननी है और एक ये वाली बननी है, तो मैश का तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि सुपर मैश बननी है, कहाँ कहाँ बनाए, ये क्वेश्चन है यस सर, आपका, सुपर मैश, यस सर, ठीक यही है। कह रहे हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा है और वो दो मैशेस के दरमियान में शेयर्ड है, तो इस वाली ब्रांच को आपने सुपर मैश के अंदर डाल के जो है ना इग्नोर कर देना है। यहाँ पे भी क्योंकि करंट सोर्स है और दो मैशेस के दरमियान में शेयर्ड है, तो यहाँ पे भी एक सुपर नोड लगा के इसको इग्नोर मार देना है। तो आप फिलहाल जो है ना इस वाले हिस्से को खत्म कर दें और इस वाले हिस्से को खत्म कर दें, तो आपके पास ये लेट से I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो जो सुपर मैश एक बनेगी ना वो आपके पास ये बनेगी। यस सर, और सर इस पे जो हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो वो दोनों करंट सोर्स के, यानी हम एक कॉमन पॉइंट लेके कर सकते हैं ना, आप इनका अलग अलग तो फाइंड करने से रहे। रुकें, किस चीज की अब ये बात कर रहे हैं आप, कि केसीएल आपने अप्लाई करना है, तो आप कह जी रहे हैं कि जी यहाँ पे केसीएल अप्लाई करना है, कि कैसे सेपरेट और ये वो करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ इनका कॉमन पॉइंट लेके, यानी जितने करंट आ रहे हैं और जितने दूर उससे बाहर जा रहे हैं वो हम एक कॉमन पॉइंट ले लें, यानी पॉइंट टू वी नॉट का अलग से ना लें और 5 एम्पीयर का अलग से ना लें, इकट्ठे इन दोनों का ले लें। यानी अब फॉर एग्जांपल जो आपकी मैश है वो I3 ये बनी हुई आपके है। ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे लेट से जो है ना ये I1 I2 I3 था, ये आप एक I4 इधर लेबल कर दें मैश, ठीक है, सुपर मैश से पहले का, तो आप जब यहाँ पे लगाएंगे आपको आएगा कि जी ये I4 इधर को है और यहाँ पर से जो जा रहा है आपके पास वो क्या है, I1 जा रहा है इस तरफ को, तो यहाँ पे ये रिलेशन हो जाएगा जी 0.2 वी आउट प्लस I4 इज इक्वल टू I1, एक इक्वेशन जो है वो यहाँ पर से आ गई, ये वाला जो है ठीक है, यहाँ पे आप लगाते हैं एक इधर से I3 आ रहा है, इधर से I4 जा रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा I3 इज इक्वल टू 5 प्लस I4। सर अगर सर हम हम कटर भी कुछ कर सकते हैं ना, यानी कि अगर हम ऐसा करें कि नीचे अगर वाला नीचे वाला नोड कॉमन है दोनों में, इधर से I2 आ रहा है उधर से I1 निकल रहा है, और इन दोनों का जो रिलेशन होगा 5 एम्पीयर प्लस 0.2 V नॉट इज इक्वल टू, से इस तरह आप ये सोचा जा कर सकता है। सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं कि जी ये और ये आप इस तरह से करके कहें कि जी ये एक ही पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन याद रखें मैशेस के अंदर इस तरह के काम किए नहीं जाते वैसे, सर और लेट हमने से आप मिला के अगर करना चाह रहे हैं ना, चलें ठीक है, वो मिला के क्या होगा कि इन इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें आप, ये वही रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक जी है। सर अब वो मतलब क्या आ रहा है एक कि ये 0.2 वी आउटपुट प्लस I4 है और ये इस तरह से है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट आप अगर कर देते हैं ना, तो ये वैसे I3 अगली तरफ जाके था, I1 माइनस I3 आ जाएगा, ये I1 माइनस I3 इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 0.2 वी आउटपुट माइनस 5, 0.2 वी आउटपुट माइनस 5, तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा जब आप इन दोनों को सिंगल पॉइंट कंसिडर करके लगाएंगे, उस तरह करना चाहें उस तरह कर लें, इस तरह करना चाहें इस तरह कर लें, ठीक है। ये जो आप कॉमन पॉइंट की बात कर रहे थे ना उससे ये रिलेशन आएगा, वो आप ये अलहदा से दो इक्वेशंस निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स के चीज है, इस तरीके से आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगी अगर आप कुछ उससे बनाना चाह रहे हैं, वरना ये भी ठीक है। और सर क्या ये इस तरह करेक्ट हो सकता है कि ये जो आपका सर्किट है इसमें हमने मैशेज 4 की बजाय 3 बनाई हो? जी हाँ, वो जो जैसे ये वाला केस है इसमें I4 को आपने एलिमिनेट कर दिया, इधर मैशी नहीं बनाई, ये जी वाली सर, जो, यस अगर आप बनाना चाहें तो वो इस तरह बना के भी कर सकते हैं, ओके सर, यानी ये गलती तो नहीं ना सर? नहीं गलती नहीं है, ये बस टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट आपने लगाई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं।
जी सर, सर यही था ना कि यानी करंट सोर्स दोनों के जो है यानी पॉइंट्स भी हैं वो सेम ही है, यानी इनको सेम एक में भी रख लें तो वो भी ठीक ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन याद रखें कि ना मैश एनालिसिस में आमतौर पे ना इस टर्म्स में सोचा नहीं जाता कि जी नोड एक है तो हम उसको जो है ना इकट्ठे कंसिडर कर लें, क्योंकि मैशेस के केस में नोड्स का आपने देखने नहीं होता, आपने देखना होता है कि जी ये मैश कितने बन सकते हैं। चार बन रहे हैं, बस चार बना देने आपने। नोड्स की तरफ जाएंगे ना तो वो कंफ्यूजन, यहाँ पे तो चलें तुक्का लग गया आपका, लेकिन आगे किसी जगह जाके फंस जाएंगे उसमें। और इसी तरीके से जब ये आपके पास नोडल एनालिसिस है, ठीक है, तो उसमें आपने, अब मैं कोई एक एग्जांपल देखना चाह रहा हूँ, कोई एग्जांपल ही उस तरह की नहीं है, रुकें जरा, नहीं ये सारा अभी मैश ही चल रहा है। हाँ, अब जैसे ये एक एग्जांपल है, फिर मूव हो गई। अब यहाँ पे आप जो है ना, अब नोडल एनालिसिस कर रहे हैं और आप लगे रहे हैं कि जी मैशेस कहाँ से बन रही हैं, ये वो, ठीक है, तीन मैशेस बन रही हैं, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन है कि आप अगर जब नोडल एनालिसिस कर रहे हैं, आपका ताल्लुक ही नहीं है, आपने देखना है नोड्स कितने हैं। एक ये नोड है, यहाँ पे आपने लेट से इसको रेफरेंस कर दिया, तो ये एक आ गया नोड, ये इसको 80 फिक्स कर दिया, इसको 4V आउटपुट फिक्स कर दिया, यहाँ पर से आपके पास ये करंट का चल रहा है, यहाँ पे आपके पास एक सुपर नोड आ जाता है, ठीक है, इस पूरे पॉइंट से लेके ये वाला हिस्सा जो है, आप अगर ये इसको रखना चाहते हैं, इसको V आउटपुट रख दें, V आउटपुट लेबल है ना, तो 1 2 3 की बजाय वो आप इसको ये कह दें, और एक नोड आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जी ये एक नोड है, इसकी वैल्यू पता है, ये वाला एक नोड है, इसको V1 कह लें, इसको V2 कह लें, और ये V0, तो तीन ऐसे नोड हैं जिन पे सॉल्व करना है, और वहां पे आप करते रहेंगे। अब आप मैशेस के ऊपर इसमें सोचने लग गए तो आपने नहीं करना, जब नोडल एनालिसिस है तो नोड्स पे फोकस रखें, जब सर मैश क्वेश्चन है, एक्सक्यूज एनालिसिस है तो मैश पे फोकस रखें। जी मी सर, सही वाली सही वाली में ना प्रॉब्लम में सर, अभी अपने लेबल किया सुपर नोड जो लेबल किया सर, 96 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जिस नोड से कनेक्ट हो रहा है वहां पे 96 फिक्स करेंगे ना, 96 किधर किधर कौन सा वाला? 96 वोल्ट की जो सोर्स लगा हुआ है। है ही नहीं, 80 वोल्ट है ये। अच्छा, ये और 96, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही, मैं उसको देखा नहीं था। तो आपके पास यहाँ पे जब ये सुपर नोड बनेगा ना, ये आपके पास है V1 है, तो ये वाला हो जाएगा लेट से V1 प्लस 96। ये वैसे इस तरह लिखते नहीं होते, आप लोग जो है ना इसको याद रखें कि जी V0 है, लेकिन वो इसके बराबर है। सर आपने पहले बताया था कि वो नोड के साथ जो पैरेलल में रजिस्टर है उसको भी सुपर नोड में शामिल करते, फिर 40 को नहीं आपने करना? वो सीरीज में है। वो सीरीज के अंदर है, पैरेलल में तो नहीं है, ठीक ओके सर, ओके सर, है। इधर सॉरी से माय जो करंट मिस्टेक। फ्लो करना है आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये V1 है, ये V2 है, तो इधर से आप इसको सॉल्व करेंगे। याद रखें कि जो सबसे बेहतर जो तरीका है ना, वो यही है कि जो आपने वो पहले ना थ्योरी में जो इसके बताया ना मेथड, वो अच्छी तरह से आपको आते हो ना, तो हर जगह पे आपको पता होगा कि क्या करना है। आपने कहा था जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नोड होगा उस पे वही वोल्टेज आएगी, तो यहाँ पे क्यों नहीं आई? क्योंकि रेफरेंस इधर लगा हुआ है, अगर यहाँ पे रेफरेंस लगा है तो यहाँ पे ओके 80 आएगा, सर, ठीक है, कि इसके रेफरेंस के ऊपर 0 वोल्ट्स हैं, यहाँ पे फिर 4V आउटपुट आएगा, तो इधर जो है, यहाँ पे आपके पास जो अगर ये V1 आ रहा था, तो ये जो है V1 प्लस 96 आ जाएगा ये। लेकिन आपने ऐसे नहीं क्लियर। करना, आपने इसको जो है ना V2 या इस तरह करके, और फिर आप KVL के हिसाब से कहेंगे कि जी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 96, तो वहां से रिलेशन ड्राइव कर लें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन?
तो जिन लोगों ने असाइनमेंट जमा नहीं कराई, जी, सर जो आप हमें एग्जाम में मीट में जो देंगे उनमें सर्किट में ज्यादातर ये मैश और नोडल ही लगेगा ना एनालिसिस। नहीं, इससे आगे वाले टॉपिक्स का इंक्लूडेड नहीं होगा। आप अगर, हो सकता है कि सर्किट सिंपल हो तो आपको लाजमी नहीं है कि नोडल और मैश लगाएं, करंट डिवाइडर से कर लें, वोल्टेज डिवाइडर से कर लें, मैश लगाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके सर, ठीक है, और वैसे भी आपके पास जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप है तो मैश और नोडल में आमतौर पे सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है, तो वो सब्जेक्टिव टाइप अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके पास चेक हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, शुरू से एंड तक की हर चीज उसमें पूछी जा सकती है। तो तैयारी तो सर आपको फिर भी पूरी करनी पड़ेगी, कहीं पे वोल्टेज डिवाइडर से हो सकता है लग रहा हो, कहीं पे करंट डिवाइडर से, कहीं पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कहीं पे वाई डेल्टा हो रहा हो, ठीक है, और कहीं पे जो वो बेसिक जो है फिगर्स हो उनके ऊपर करंट वोल्टेज पावर लगानी है, निकालना है, पावर बैलेंस रिलेशन यूज करने हैं, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो आप ऐसे ना हो कि सारा टाइम बैठ के ये प्रॉब्लम्स ही करते रहे और पिछला कुछ पढ़े ना। सर बेसिकली वो भाई ये कहना चाह तो रहे हैं उसी कि टाइम आपको जो पढ़ेंगे ना, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन देने वो नोडल और मैश में से होंगे, वो ये पूछना चाह रहे हैं। पता क्या चीज ये है कि जो सर्किट है ना वो सर्किट है, उसको सॉल्व करने के लिए आप जो मर्जी चीज अप्लाई कर लें, हाईएस्ट डिफिकल्टी की जो चीज आपको अभी तक पढ़ाई गई है वो नोडल और मैश की है। तो अगर कोई बहुत मुश्किल सर्किट होगा तो उस पे नोडल और मैश लगा के आप सॉल्व कर लें, ठीक है। सर्किट इटसेल्फ उसने उसके ऊपर नहीं ये लिखा होता किस तरीके से, वो बेशक ये सर्किट है जो बुक में आपको करवाया जा रहा है मैश के लिए, ठीक है। अब मैं अगर जो एडवांस टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़े हुए, मैं चाहूं तो मैं इधर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के कर दूं, ठीक है, जो आपने नहीं, मैं चाहूं तो इक्विवेलेंट सर्किट इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाऊं, वहां से सॉल्व करके पूरे सर्किट को जो है वो सिंप्लीफाई कर दूं उससे, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मैं वो इक्विवेलेंसी का लगाऊंगा तो वहां पे अच्छा खासा एक और मोड में जो है ना चीजें मतलब के कन्वर्ट हो सकती हैं। तो वो है कि सर्किट के ऊपर इटसेल्फ ने लिखा होता है ये, आपने मेथड्स और चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जी अच्छा यहाँ पे अब मसलन कोई एक सर्किट है वहां पे ना आपके पास ज्यादा एलिमेंट सीरीज में लगे हैं, जहां पर जो है ना आपके पास एलिमेंट्स सीरीज में ज्यादा लगे हों वहां पे मैश एनालिसिस यूज कर दें। मैं एग्जांपल को ढूंढना चाह रहा हूँ, एक तो यहाँ पे ना डायरेक्ट उस तरह की इजी एग्जांपल्स ही कोई नहीं है। चले मैं खुद एक बना के दिखाता हूँ आपको, सर तो आपने पेपर में मेंशन किया होगा, किया है कि नहीं कि अगर वो किया नोडल होगा से या कहीं मैश पे से तो, कर। अगर किया होगा कहीं पे तो फिर तो आप बाउंड है, जो मेथड है वो यूज करें, अगर नहीं किया तो आपके ऊपर है, जो मेथड अच्छे तरीके से होता है उसको यूज करें। अच्छा, अब ये एक सर्किट मैंने बनाया है, ठीक है, अब आप बताएं इस पे कौन सा एनालिसिस लगना चाहिए, नोडल या मैश, आपका क्या है, इंट्यूशन क्या है, सर कितने अगर के? मैश दो लाख मान अच्छा, लीजिए, जितने जितने स्टूडेंट कहते हैं इस पे मैश लगना चाहिए ना, वो अपने यहाँ पे हैंड्स रेज करें, ये तो ऑप्शन ही बड़ी अच्छी है। ये सारे मैश वाले हैं, क्या सर और जो रिमेनिंग है वो सारे नोडल वाले हैं, या वो सुन ही नहीं रहे हैं। ये कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 12 बच्चे जो हैं वो एटलीस्ट लेक्चर सुन रहे हैं ये मुझे पता है, और बाकी जो हैं वो शायद लेक्चर भी नहीं सुन रहे। तो ये सही जवाब है कि यहाँ पे जो है ना हम जो लगाएंगे वो हम मैश एनालिसिस लगाएंगे। वजह वजह ये है कि एक तो हमारे पास जो है ना, पहली तो नोड वैसे ही निकल गई, यहाँ पे अगर 5 एम्पेयर अगर था ना तो ये पूरे इसमें से गुजरना ये तो सॉल्व ही नहीं करना। सेकंड केस में आपके पास यहाँ पे I1 आ रहा है, तो
इस पूरे के साथ I1 का एक ही रिलेशन आएगा और डायरेक्ट पूरा सर्किट सॉल्व हो जाएगा आपके पास। नोडल करेंगे तो ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, तो आपके पास इतनी इक्वेशनें बन जाएंगी कि आपसे सॉल्व ही नहीं किया जाना, ठीक है, 10 आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। तो इसको तो नोडल से करना बेवकूफी से काम चीज नहीं होगी। और अगर कोई ऐसा सर्किट है जहां पे आपके पास जो है काफी सारे जो है नोड के साथ एक एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, अच्छा ठीक है, ये है, ये प्लस माइनस हो के ये इधर से कनेक्टेड है, ये ऐसे ही कनेक्टेड है, और नहीं ये तो पैरेलल में हो जाएंगे सारे। खैर अब मुझे नहीं पता ये एग्जैक्ट इसके क्या सर्किट किस तरह का बनना है। ठीक है, कोई इस तरह का ये सर्किट बन रहा है। इसमें हमारे पास नोड्स कितने हैं, ये एक नोड हो गया, दूसरा नोड है, एक याद रखें रेफरेंस आपके पास बनना होता है, इसको रेफरेंस कर देते हैं हम, 1 2 और ये 3, तीन नोड्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है। और अगर लूप्स मैश एनालिसिस करेंगे, एक ये मैश होगी, 2 3 4 5, पांच में से चलें एक ये खत्म हो जाएगी, तो 4 आपके पास मैशेस बन गई। तो जो इस तरह का सर्किट होगा जहां पे बहुत सारे जो है ना सिंगल नोड के साथ एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां पे बेहतर है कि आप जो है ना यूज करें नोडल एनालिसिस। तो यही एक जनरल जो चीज है, उसके बाद ये आप ओपन होंगे, ठीक है, कि अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो जो मेथड आपने यूज करना है वो आप यूटिलाइज कर लें जो आपको लगता है कि बेहतर होगा। ये चीज जो है ना, बल्कि थर्ड चैप्टर के अंदर ना ये एक है भी जगह जहां पे ये बताया गया है, नोडल वर्सेस मैश एनालिसिस। ये वैसे मैंने थ्योरेटिकल इसमें ये पढ़ाया नहीं था, लेकिन चलें अभी आपको मैं बता देता हूं। तो यहां पे एंड पे शायद कहीं ना कंक्लूड किया है उन्होंने ये द फर्स्ट फैक्टर के किस चीज को चूज किया जाए। द फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर नेटवर्क। नेटवर्क्स कंटेनिंग मेनी सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट्स, वोल्टेज सोर्सेज और सुपर मैशेज आर मोर सुटेबल फॉर मैश एनालिसिस। जहां सीरीज में ज्यादा कनेक्टेड है उनको उस मैश एनालिसिस से करना है। वेयर एज नेटवर्क्स विद पैरेलल कनेक्टेड एलिमेंट्स, करंट सोर्सेज और सुपर नोड्स आर मोर सुटेबल फॉर नोडल एनालिसिस। ऑल्सो अ सर्किट विद फ्यूअर नोड्स देन मैशेज इज बेटर एनालाइज यूजिंग नोडल एनालिसिस। जिसमें नोड कम बन रहे हैं उसको नोडल एनालिसिस से करें, और जिसमें मैश कम बन रहे हैं उसको मैश एनालिसिस से करें। The key is to select the method that results in the smaller number of equations. Target आपका क्या है कि number of equations जो है ना वो आपके पास कम हो। उसके बाद क्या है, the second factor is the information required. If a node voltages are required, अगर node के ऊपर voltage पूछी गई है तो बेहतर है कि nodal analysis ही कर लें, क्योंकि direct ही node के ऊपर voltage आ जाएगी। अगर किसी branch के mesh current को पूछा गया है तो बेहतर है कि mesh analysis को use कर लें, ठीक है। लेकिन आपको जो है ना जो मेन चीज है कि ये दोनों मेथड आने चाहिए, ताकि कहीं ऐसे ना हो कि सिर्फ एक मेथड याद करके आप बैठे हों और वहां पे कोई सिनेरियो आ जाए जहां पे जो है मैशेज जो है वो 5 बन रही हैं और नोड्स 4 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो उस केस में अगर मैशेज पे करेंगे वो इक्वेशन इतनी मुश्किल आ जाएगी, कैलकुलेटर से भी सॉल्व नहीं हो सकती, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मेथड्स मतलब दोनों आपको पता होने चाहिए और दोनों अच्छे तरीके से आने भी चाहिए और उनका फर्क पता हो, ठीक है। यस सर। बाकी ये भी एक ये लिखा हुआ है कि जी जो कंप्यूटर के ऊपर जहां सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आमतौर पे नोडल एनालिसिस ही करते हैं, क्योंकि मैश करंट्स और कौन कौन सी मैशेस बन रही है ना वो, उनमें से कौन सी एक्चुअल मैशेस ठीक हैं कौन सी नहीं है, वो कंप्यूटर के लिए जो देखना है ना वो जरा मुश्किल होता है। कि अब हम देख रहे हैं तो हम तो अंदाजा लगा लेंगे कि जी ये मैशेज हैं। नोडल के केस में क्या होता है, वो नोड्स बाय डेफिनेशन पता चल जाता है जहां एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, तो वो सारे नोड्स को उठा के शुरू कर देता है एनालिसिस करना।
बल्कि आप लोग प्रोग्रामिंग का कोर्स एक पढ़ रहे हैं? नहीं, आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगले सेमेस्टर में जब आप पढ़ेंगे ना वो कोर्स, तो आप उसमें जो प्रोजेक्ट टाइप या कोई चीज बनानी होगी ना, तो आप उसमें ना प्रोग्रामिंग जब आप सीख लेंगे, तो आप कोशिश करें कि एक ऐसा कोई एल्गोरिदम या कोड लिखें कि उसको आप ना लिख के बताएं कि जी इस तरीके से एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, तो वो खुद ब खुद उस सर्किट को सॉल्व कर सके, ठीक है? यूजिंग नोडल एनालिसिस, ये भी चीज पॉसिबल होती है। आप खुद से कोड कर सकते हैं, एक जैसे मल्टी सिम या वो एनालिसिस करते हैं ना, तो इसी तरीके से इन चीजों की प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। और लेटर मुझे जब अभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक और चीज इसी तरह की सिखाऊंगा, पीएस पाइस। इसका पता है किसी को, पीएस पाइस का? नो सर, नो सर। ये पीएस पाइस में क्या होता है, आप क्या करते हैं, जितना भी ना कॉम्प्लेक्स किस्म का कोई हो ना सर्किट, तो उसमें आपने ना प्रोग्रामिंग एक तरह की ना करनी होती है। तो आप क्या करते हैं उसमें ना, बता देते हैं कि जी जो पहला नोड है, इसके कहीं स्केमेटिक कहाँ पे है, अपेंडिक्स डी, एक सेकेंड, अपेंडिक्स डी तो एडवांस सर्किट एनालिसिस का आ गया। प्रोबेबली नहीं, यहाँ पे जो है ना उसका एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो पी एस पाइस जो है ना आपके पास, वो बेसिकली क्या करता है कि आपको जो है ना, जितना भी सर्किट के अंदर एलिमेंट्स आपके पास कनेक्टेड है ना, उन सारों को ना आप लिख देते हैं। मसलन आप उसके ना अंदर प्रोग्रामिंग करते हुए आप लिखते हैं कि जी नोड जीरो आपके सर्किट के अंदर, आप पहले बता देंगे कि जी तीन नोड्स हैं, फिर आप कहेंगे जीरो नोड से जो है पहले नोड से जीरो के दरमियान में 120 वोल्ट लगा हुआ है, वन नोड से टू नोड के बीच में 20 ओहम लगा हुआ है, जीरो से टू नोड के बीच में 30 ओहम लगा हुआ है, टू से थ्री नोड के बीच में 10 ओहम लगा है, थ्री से जीरो के बीच में 40, इस तरह करके ना आप पूरा बता देते हैं, और डायरेक्शन करंट्स की। जब वो आप पूरा बता देते हैं और फिर उसको कहते हैं कि जी एनालाइज करो, तो वो पूरा जो है वो एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद आपको जो है ना रिजल्ट बता देता है कि तमाम नोड्स पे कौन सी वोल्टेजेस हैं, ठीक है? कोई भी इस तरह का हो ना, तो आपने उसको बताना बस ये होता है नोड्स के बीच में क्या लगा हुआ है, और वो नोडल एनालिसिस आपको जो है ना करके दे देगा। ये डिपेंडेंट सोर्सेस को भी उसमें मॉडल किया जा सकता है, तो ये, लेकिन है कि ये फिर ना मिड के बाद जरा मैं एक आध ना सेशन इस पे भी करूंगा, ये पता होना चाहिए आपको, और आगे जाके फिर उसी की बेस के ऊपर आप अगले सेमेस्टर्स में भी जो है ना इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके सर, ठीक है? तो और कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना जो है फिर ये लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर आपने बताया था हमें अगर सुपर नोड के पैरेलल रजिस्टर आ जाए तो वो कंसीडर किया जाएगा सुपर नोड में। अगर मैश सुपर मैश के यानी कि सीरीज में पैरेलल में आ जाए कोई रजिस्टर तो फिर उसको भी कंसीडर करेगा। मैश के पैरेलल में, लेट से कोई एक केस देखते हैं ऐसा। सीरीज या पैरेलल नहीं, सीरीज में होगा तो वो तो ऑफ कोर्स उसी में इंक्लूड हो जाता है ना, पैरेलल वाला नहीं काम हो सकता, सीरीज में तो हम करते हैं इंक्लूड, ठीक है? क्योंकि उस, अब यहाँ पे अब कोई एक एग्जांपल हम देख लें। एक तो मेरी कोशिश होती है कि एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊं, लेकिन इधर उस तरह की अवेलेबल ही नहीं है। ये करंट सुपर इधर रखा ही नहीं उस तरह का, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका फायदा ही कोई नहीं, कि ये ऑब्वियस सी बात है,
नहीं, इधर कोई एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे दी नहीं है, लेकिन ये ऑफ कोर्स आपके पास जो है ना, आपने पूरी की पूरी जो ब्रांच है ना, उस ब्रांच को जो है सुपर मैश के हिसाब से जो है वो आपने इग्नोर करना होता है, क्योंकि उस पूरी ब्रांच में से जो करंट है वो 0.2 V आउटपुट होगा, ऐसे ही होता है ना? जी सर, ठीक है, तो आपने उस पूरी ब्रांच को कंसिडर नहीं करना। ये ब्रांच है, इसके अंदर भी और भी 10 रजिस्टर बेशक लगे हों, तो आपने उस पूरे की पूरी ब्रांच को जो है वो कंसिडर नहीं करना। उसमें बेसिकली आपको करंट पहले ही पता है, अगर यस सर, करंट सोर्स लगा है ना तो आपको रिजल्ट ही पहले पता है। इसी तरह नोडल एनालिसिस के अंदर क्या है कि जब कोई दो नोड्स हैं और उनके दरमियान में वोल्टेज सप्लाई लगी हुई है, कहाँ है ये, लेट से इसके अंदर ना यहाँ पे भी बन रहा था, लेकिन हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दो के दरमियान में जो है नोड्स के आपस में जो वोल्टेज का रिलेशनशिप है वो आपको पता है, तो अब यहाँ पे अगर जो है आपके पास रेजिस्टर एक लगा हुआ है, ठीक है, और नोडल एनालिसिस में करंट्स निकालने होते हैं, और ये 30 वोल्ट का है, ये 5 ओहम का आपके पास रेजिस्टर है, तो आपको पहले ही पता है कि इसके अक्रॉस प्लस माइनस 30 वोल्ट है, 5 ओहम का है, तो आपको तो इसका करंट ही पहले पता है, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ओके सर, थैंक ठीक है ना। यू। और इसके अक्रॉस मतलब वोल्टेज आपको पहले ही पता है, तो इसलिए उसको जो है ना उसी के साथ कंसिडर करके जो है वो सॉल्व नहीं किया जाता। मेन टारगेट आप देखिए ना, आपने अननोन निकालने हैं, जो चीजें आपको डायरेक्ट ही वो बता रहा है और आपको पता है, तो उनको दोबारा सॉल्व करने के लिए क्यों अपनी इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स करनी है, ठीक है। ओके सर, चलें ठीक है, फिर कोई ओके क्वेश्चन और सर, नहीं है तो तैयारी करें अपनी, और कल आपका पेपर भी है पाकिस्तान स्टडीज का है। जी सर, ये तो उस जी सर जो आप सर्किट वगैरह देंगे तो वो बुक में से होंगे या आप अपने तरफ से, जैसा कि वो आपने पहले असाइनमेंट